Dear friends, welcome to the video lecture series for diploma courses. आज हम यहाँ पे जो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का टॉपिक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर्स. मतलब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और इस कॉम्प्लीमेंट का यूज कैसे सब्स्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्स्ट्रैक्ट करने में किया जाता है. कोर्स आउटकम एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस नंबर सिस्टम कोड्स एंड लॉजिक गेट्स एंड द लर्निंग आउटकम ऑफ द लेक्चर इज perform various binary arithmetic operations and after the lecture the student will be able to understand the meaning of complement in number system. Student ko ye samajh mein aayega is lecture ke ant mein ki kisi bhi number system mein complement ka kya meaning hota hai, 9s and 10s complement kya hote hain decimal number system mein, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, एंड द स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एबल टू नो द मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर सिस्टम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर सिस्टम का एक प्रकार होता है, इसका यूज करके हम बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर से दूसरे नंबर का सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं एंड नो लास्ट में नो द मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट. दो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम भी एक प्रकार का बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है, और इसका यूज करके भी हम किस प्रकार से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन ए नंबर सिस्टम. आपके पास कोई भी नंबर सिस्टम है, जनरली हम यहाँ बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये हर नंबर सिस्टम में होता है. डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हम बात करेंगे पूरे लेक्चर में, और यही चीज हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में या आपके द्वारा जो कोई नंबर सिस्टम बनाया गया उसमें भी ये लागू कर सकते हैं. आपको द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन नंबर एक्स, एक नंबर सिस्टम है, हम एक नंबर सिस्टम ले रहे हैं जनरल नंबर सिस्टम जिसका बेस बी है, और उस बेस बी नंबर सिस्टम में एक नंबर है एक्स, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन नंबर एक्स, अगर कोई एक्स नंबर है किसी बेस नंबर सिस्टम बेस पी का, और मान लो इस एक्स नंबर का कॉम्प्लीमेंट है वाई, वाई भी एक नंबर है, तो ये वाई जो होता है इट इज गिवन बाय, ये जो वाई है जब ये वाई को हम इस एक्स में ऐड कर देते हैं, ध्यान से समझिए आप, अगर इस y को हम इस x में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, तो हमारा जो टोटल नंबर होता है वो b माइनस वन होता है या b होता है. ये y दो अलग अलग नंबर है, मतलब ये y क्या है, दो अलग अलग नंबर है. एक नंबर को हम जोड़ते हैं x में तो b माइनस वन हमारा रिजल्ट आता है, और दूसरा नंबर हम जोड़ते हैं तो b नंबर आता है. B मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको हम अगर हम समझें डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये B डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है 10, और X कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक डिजिट का हो सकता है, दो डिजिट का हो सकता है. हम समझने के लिए अभी हम आगे एग्जाम्पल ले लेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फिर इफ एडिटिव नंबर Y मेक्स द टोटल इक्वल टू B माइनस वन, देन दिस एडिटिव नंबर is the b minus 1's complement of the given number. b minus 1 मतलब
आप हो सकता है शायद आपको ये बी और ये जो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिए हैं इसमें समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन हम जब हम एग्जांपल पे जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। इसमें इफ जैसे वाई वाई एक नंबर है, इस नंबर को जब हम एक्स में जोड़ते हैं, ये यहाँ पर जो वाई नंबर है इस नंबर को जब हम एक्स में जोड़ते हैं तो हमें अगर रिजल्ट बी माइनस वन मिलता है, अगर हमें रिजल्ट बी माइनस वन मिलता है तो हम इस वाई को एक्स का बी माइनस वन कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम वाई को एक्स में अगर हम जोड़ेंगे और हमें नंबर बी मिलता है जो कि उस नंबर सिस्टम का बेस है वो मिलता है, तो हम उसको वाई को एक्स का बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, बीस कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डेसिमल। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक डेसिमल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल वन में यहाँ पर लिखा है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। अगर एक नंबर है हमारे पास 3 है ना, ये 3 नंबर जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, और डेसिमल नंबर सिस्टम होने के कारण यहाँ पर बी जो है हमारा 10 है, और दो किसी भी नंबर सिस्टम के आखिरी दो जो होते हैं, जैसे 10th बाइनरी नंबर सिस्टम में आखिरी दो नंबर 9 और 9 से एक ज्यादा दैट इज 10। तो 9th एंड 10th कॉम्प्लीमेंट हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में होते हैं, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। इसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। अब 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस 6 यहाँ पर दिया हुआ है 6। 6 कैसे, बिकॉज 9 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो ये जहाँ हमने पिछले ये जो 9 हुआ यहाँ पे, 9 इज बी माइनस वन हियर, 3 इज द एक्स एंड 6 इज द वाई। तो ऐसा नंबर वाई जो कि एक्स में जोड़ा जाता है, जो कि अगर हम एक्स में जोड़ें तो हमें 9 मिलता है, 9 मतलब बी माइनस वन अगर मिलता है तो हम बोलेंगे 6 जो है, ये जो 6 है ये 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार से 3 का 10th कॉम्प्लीमेंट जो है, 10th कॉम्प्लीमेंट जो है वो 7 हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 में 7 जोड़ते हैं तो हमें आंसर 10 मिलता है। इसलिए 3 कोई भी नंबर अगर आप लेंगे उसमें जो भी नंबर जोड़ेंगे और अगर वो 9 9 बनता है तो 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 10 बनता है तो 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी कंक्लूजन में क्या हुआ समझ में आया हमें कि कोई भी नंबर जैसे 3 है, 3 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 6 जो है वो 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट हुआ और 7 जो है 3 का 10th कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसी प्रकार से अगर हम 2 डिजिट के नंबर की बात करें तो 82 एक नंबर है, 82 में अगर हम 17 जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 2 डिजिट है तो हम 9 की बात नहीं करते, वो 99 की बात करेंगे। 3 डिजिट होगा तो हम 999 की बात करेंगे 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए, 4 डिजिट होगा तो हम 9999 की बात करेंगे, तो 2 डिजिट में हम 99 की बात करेंगे। तो 17 जो नंबर है ये जो है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 82 है, क्योंकि 82 में जब हम 17 जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 99 होता है। और इसी प्रकार से 82 का 10th कॉम्प्लीमेंट जो है वो 18 होगा, क्योंकि हम 18 नंबर को जब 82 नंबर में जोड़ते हैं तो हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट जो है वो 100 100 आता है। तो हमेशा 9th कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का जो 9th कॉम्प्लीमेंट रहता है उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं वन तो हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करी तो 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में,
और वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट होते हैं बाइनरी नंबर्स। इसके बाद हम आगे पूरा जो है हम बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए इसे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ वंस, इसमें दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। जिस प्रकार से वहाँ दो प्रकार के होते हैं नाइन्स एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट होते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10101101 इज 01010010, एक नंबर है ये 10101101, इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो है 01010010। क्यों? क्योंकि अगर आप इस नंबर को इस नंबर में जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट जो है 11111111 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप ऐसा करिए कि 11 आपको किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है और अगर आपको कहा गया है कि आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे इस नंबर को 11111111 में से माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट रहेगा। और ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट रहेगा इसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं, एडिशनल एक और जोड़ देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है नंबर का। अब जैसे यहाँ पर ये सेम नंबर हमने टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये है, ये कैसे आया? या तो आप इस नंबर में इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर है इसमें आप इस एक जोड़ दें तो ये आपको जो मिलेगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर मिलेगा। सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ये मेथड है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में सब्सट्रैक्शन, एक्चुअली अगर थोड़ा सा हम इसके बेसिक में जाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि इसकी क्या जरूरत पड़ती है, डिजिटल सिस्टम में सब्सट्रैक्शन करने का जो तरीका होता है वो भी एक प्रकार से एडिशन होता है, अभी हम समझेंगे उसको। ये मान के चलो कि हमारे पास जो कंप्यूटर है या डिजिटल सिस्टम है वो सब्सट्रैक्ट नहीं करता, वो हमेशा एड ही करना, उसको एक ही चीज़ आती है, वो हमेशा जोड़ सकता है, वो सब्सट्रैक्ट डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। जैसे हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो हमारे जो डिजिटल सिस्टम है वो क्या करता है, उसको सिर्फ जोड़ना आता है, उसको सब्सट्रैक्ट करना नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अगर कोई चीज़ को सब्सट्रैक्ट करवाना है तो हमें किसी प्रकार से उसको जुड़वाना पड़ेगा, अगर वो जोड़ सकेगा उस चीज़ को। अब क्या जोड़ना है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा वो देखते हैं, हम समझते हैं। तो हम एक मेथड है, इसको पहले हम समझते हैं और देखते हैं, वो है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इस मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए आप इसमें मेथड नंबर, इसमें क्या करेंगे आप, जो स्टेप्स है वो क्या है, टू राइट डाउन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्सट्रैक्ट, जिस ऐसा नंबर जिसको हमें माइनस करना है, ठीक है ना, ऐसा नंबर जिसको हमें माइनस करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। फिर ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इसको हम क्या करेंगे, जिसमें से हमें माइनस करना था उस नंबर में इसको वंस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देंगे, एड दिस विद द माइनेंट, जिसमें से हमें माइनस करना है उसको हम उसमें जोड़ देंगे। इफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन हैज ए कैरी, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद, किन दोनों को, जिस नंबर में से हमें माइनस करना था उसमें, जो नंबर माइनस किया जाना था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट जोड़ना, ये इसके बाद अगर हमें फाइनली अगर हमें एक रिजल्ट जैसे 8 बिट का है और 90 बिट में अगर हमें कैरी मिल जाती है, अगर इफ द रिजल्ट ऑफ द एडिशन हैज ए कैरी, देन ये जो कैरी 1 है इट इज एडेड इन द लास्ट बिट, और यू कैन से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसमें अगर हम जोड़ देंगे और उसके बाद जो नंबर बनेगा दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। इफ देर इज नो कैरी ओवर देन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज ऑब्टेन टू गेट द फाइनल रिजल्ट एंड इट इज नेगेटिव। अगर कैरी आ रही है इट मीन्स नंबर इज पॉजिटिव, और अगर कैरी नहीं आ रही है
then the number is negative. Or and if number is negative, then to find its magnitude, we have to again take the ones complement of the result. Then you will get the magnitude. For example, यहाँ आप देखिए, there is a हमें ये काम करना है 1101 में से 100101 माइनस करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. ये एग्जांपल है, एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हम समझते हैं. तो जो नंबर ये माइनेंड है, ये माइनेंड है और ये सबस्टेंड है, ठीक है. तो माइनेंड को तो हमने वैसा का वैसे ही लिखा, सबस्ट्रैंड का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट का बहुत एक और सिंपल तरीका होता है कि आप जहां जहां वन है उसको जीरो कर दें और जहां जहां जीरो है उसको वन कर दें. यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पर वन है तो इसको जीरो कर दीजिए, ये जीरो है तो वन कर दीजिए, वन है तो जीरो है तो वन कर दीजिए, वन है तो जीरो कर दीजिए, जीरो है तो वन कर दीजिए एंड वन है तो जीरो कर दीजिए. तो ये जो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट इसका ईजी तरीका है निकालने का कि हम वन की जगह जीरो कर देते हैं, जीरो की जगह वन कर देते हैं तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. तो 100101 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो है 011 के बाद 010. ये तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि माइनेंड में वंस कॉम्प्लीमेंट का सबस्टेंट का वंस कॉम्प्लीमेंट हम यहां एड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं. देखिए आप इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 विद कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 इज 0 विद कैरी 1. लास्ट में ये देखिए आप यहां पर कैरी ओवर आ गया है. हमें जब कैरी ओवर आता है देन आवर दिस नंबर इज पॉजिटिव. ये नंबर जो है वो क्लियर है, पॉजिटिव है एंड दिस कैरी ओवर नंबर is added to the least significant bit of this result. अब इसमें हमने जब इसको जोड़ा तो हमारा 1 plus 1 is 0, then with carry 1, फिर 1 plus that carry is 0, फिर again carry 1, then 1 plus 1 is 0, then again carry 1, then 1 plus 1 is 0, then carry 1, 1 plus 0 is 1, and at in the last it is 0. तो ये जो नंबर आया है हमारा फाइनली, इसमें ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, और ये नंबर का जो मैग्नीट्यूड है ये इसका मैग्नीट्यूड भी है. सो द रिक्वायर्ड डिफरेंसेस इन दोनों का अगर आप अब आप मैनुअली हमने जिस प्रकार से सबट्रैक्शन पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आप वैसा करके देखेंगे तो आपको इसमें से जब इस नंबर को माइनस करेंगे डायरेक्टली तो आपको यह नंबर 10000 नंबर मिलेगा रिजल्ट. देन नेगेटिव नंबर क्या होता है? पहले तो जब हमारे पास नंबर जो है माइनेंड जो है वो छोटा हो और सबस्टेंड जो है वो बड़ा हो तब आंसर जो आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा. ये तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के अनुसार आपको मालूम है ना. अब इसमें आप देखिए कि अगेन द प्रोसेस इज सेम, हम वही सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पर हमने 101011 जो माइनेंड है उसको वैसा का वैसे ही लिखा है और सबस्टेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने. सबस्टेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आप देखें, यहाँ पर सबस्टेंड जो दिया हुआ है 111001 दिया हुआ है और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा वो 000110 हो जाएगा, 000110. इन दोनों को फिर से हमने ऐड करा, फिर से हमने ऐड करने के बाद जब ये जो रिजल्ट आया, अब इसको आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, आप देख लेना. तो ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में आप ये देखिए कि कैरी ओवर नहीं आया है, है ना. कैरी ओवर नहीं आया है. तो और ये नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वन है. जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिजल्ट का जो होता है वन होता है, अगर आप देखेंगे पहले वाले में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो था. तो जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो होता है तो नंबर पॉजिटिव होता है. इसी प्रकार से जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब हमारा वन होता है तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है. नेगेटिव रिजल्ट मतलब का मतलब यह होता है कि यह नंबर जो है
यह वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर जब हम करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो हमें मैग्नीट्यूड अगर देखना है, मैग्नीट्यूड अगर हमें देखना है तो इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 0 1 1 1 0। तो 1 1 1 0 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आया कि अगर रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होता है तो नंबर पॉजिटिव होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहे हैं। और अगर इसी प्रकार से जब हमारा रिजल्ट जो है वंस कॉम्प्लीमेंट की प्रोसेस से जब हम डिफरेंस करते हैं, एडिशन करके जो प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, उसका जब रिजल्ट हमारा जो है वो अगर नेगेटिव 1 आता है इसमें MSB में, तो हम ये मानेंगे कि हमारा नंबर रिजल्ट नंबर जो है ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, और हम जो ऑपरेशन जिस पे कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर में से सॉरी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं सब्स्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। इसमें और जो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है उससे और ज़्यादा इजी मेथड है ये। उसमें इसमें क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ वहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सब्स्ट्रैंड मतलब ऐसा नंबर जिसको हमें माइनस करना है, जिसको हमें माइनेंट में से घटाना है, उस नंबर का हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट जो नंबर आया है उसमें एक और जोड़ देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो रहेगा हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये जो माइनेंट का जो टूस कॉम्प्लीमेंट है इसको हम सॉरी सबस्टेंड का जो टूस कॉम्प्लीमेंट है इसको हम माइनेंट में जोड़ देंगे, जिस प्रकार से हमने पहले किया था उसी प्रकार से। और अब इसमें भी यह हो सकता है कि लास्ट में आपको 1 मिले, मतलब जो कैरी ओवर जो है, फाइनल कैरी ओवर एडिशनल जो है वो 1 मिले और 1 ना मिले। तो अगर हमें 1 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा और हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उस 1 को हम इसमें जोड़ेंगे नहीं। इस बार अब हमने पहले उस 1 को जोड़ा था, तो इस बार हम जोड़ेंगे नहीं, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, मानेंगे कि कुछ है ही नहीं जिस प्रकार से, वी विल डिस्कार्ड दैट 1। और अगर 0 मिला तो कोई बात ही नहीं है, फिर जिस प्रकार से हमने पहले देखा था उसी प्रकार से होगा। इफ देर इज नो कैरी ओवर द टूस कॉम्प्लीमेंट, अब इसमें लिखा है देखो, इफ देर इज नो कैरी ओवर, अगर कैरी ओवर नहीं है, ठीक है ना, द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम विल बी द रिजल्ट ऑफ द नेगेटिव नंबर। अब कैरी ओवर अगर नहीं है तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर है, जिस प्रकार से वहां पे भी नेगेटिव नंबर था इस प्रकार से यहाँ पे भी। इसका मतलब ये है कि कैरी ओवर अगर नहीं आ रही है तो हम क्या मानेंगे कि हमने छोटे में से बड़ा नंबर को माइनस किया है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है हमारा टूस नेगेटिव आएगा, और उसका उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें उस नंबर का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर दिया है 1 1 0 1 1 0, इसमें से हम 1 0 1 1 0 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है ना, बड़े में से हम छोटा माइनस कर रहे हैं। तो अब टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट हम किसका लेंगे, इसका लेंगे, सबस्टेंड ये है, माइनेंड ये है, इसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, और वो कितना है, 0 1 0 1 1 0, ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट है इसको हम इस माइनेंट में जोड़ देंगे। ये देखिए आप, ये माइनेंट वैसा का वैसे लिखा है, और ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने यहाँ लिखा, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया है ना। अब जोड़ने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कैरी ओवर एक 1 आया हुआ है, ठीक है ना। ये जो 1 मतलब लास्ट में भी ये इसके बाद भी एक कैरी आई हुई है ना। तो ये जो कैरी है इसमें इसमें देखिए आप, आफ्टर ड्रॉपिंग द कैरी ओवर, मतलब हमें इस कैरी को ड्रॉप करना है, इसको भूल जाना है, इसको निग्लेक्ट कर देना है, इसको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें। और हाँ, चूंकि कैरी आई हुई है
तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है ना, और रिजल्ट पॉजिटिव है, और यह जो रिजल्ट है यहाँ जो दिख रहा है 1000000, यही इसका आंसर है, यही इसका मैग्नीट्यूड भी है और यही इस आंसर भी है, और यही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे, छोटा नंबर है ये और ये बड़ा नंबर है, इस छोटे नंबर में से अगर हम बड़े नंबर को घटाएंगे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से, तो हम क्या करेंगे, जिसको घटाना है उसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया प्लस वन कर दिया इसमें, तो जो आंसर आया टूज कॉम्प्लीमेंट में इसका वो है 110010 ये आया। अब ये वन नहीं ये सॉरी सॉरी टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये आया 00110। ठीक है ना, इस नंबर का 110010 का टूज कॉम्प्लीमेंट जो आया वो ये आया। ठीक है, 00110, तो इसको हमने माइनेंट में जोड़ दिया, सेम प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। तो जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ना, इसमें आप देखिए, आप इसमें केरी जनरेट नहीं हुई है, लास्ट में केरी नहीं आई है, और यहाँ पर नंबर वन है, यहाँ पर लास्ट में नंबर वन है। अब ये नंबर वन जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट में जब नंबर वन होता है, तो हमारा आंसर जो है, ये जो रिजल्ट जो है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आंसर है, और ये नेगेटिव आंसर है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आंसर है, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट का इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए, तो हमें इसका फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, और इसका अगर हम फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो 100 आता है, 100। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं तो कैरी जनरेट नहीं होती है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वन रहता है, और ये जब दो चीज़ देख देख लेते हैं हम लोग कि कैरी भी जनरेट नहीं हुई है और मोस्ट सिग्निफिकेंट में वन है, तो हम ये समझ में आ जाता है कि ये नंबर नेगेटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस रिजल्ट का। तो जब हम 110000 का टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें फाइनल रिजल्ट माइनस ऑफ 100 माइनस 100 बाइनरी नंबर में मिलता है। थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।